हेलो एवरीवन, सो हैप्पी कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, 8449905766 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी सारी करियर क्वेरीज सेंड कर सकते हो। एंड टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो भी हमारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, दे कैन मेल अस ऑन sarthak@planetstudy.in। एंड फॉर नाउ enjoy the video. Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the circular video. This circular was released by CBSE on 22nd April 2020. CBSE ne yahan par Vidyadan 2.0 content distribution ke liye request ki hai for the curriculum of CBSE. Diksha, jisko National Teachers Platform for India bhi kehte hain, yahan par more than 80,000 pieces of content in 15 different languages available hai. Ye app aap Play Store se download kar sakte ho aur aap register kar sakte ho as a student or as a teacher. Different type ka content aap after registration एक्सप्लोर कर सकेंगे। कंटेंट आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, क्वेश्चन बैंक, लेसन प्लान्स एंड लर्निंग आउटकम्स की फॉर्म में। कोरोना क्राइसिस की वजह से स्कूल एजुकेशन पर इंपैक्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ई लर्निंग मॉड्यूल्स एंड ई कंटेंट क्रिएट करने का। ये सारा कंटेंट अपलोड होगा दीक्षा ऐप पर, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों ही इस कंटेंट का यूज कर सकते हैं। सीबीएसई ने कहा फेज वन ऑफ विद्यादान ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहां पर 10,000 प्लस पीसेज ऑफ कंटेंट फॉर क्लास 6 टू क्लास 12 डिफरेंट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। एंड क्लास 11 12 के लिए डिफरेंट लेसन प्लान्स, कॉन्सेप्ट मैप्स एंड एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी ऐप पर अवेलेबल है। सीबीएसई ने अपने एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया है एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक वेल रिसर्च्ड ई लर्निंग कंटेंट विद असेसमेंट स्ट्रेटजीज आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे। रीसेंट दीक्षा रिव्यू मीटिंग्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है टू इंक्रीज द यूज ऑफ क्राउडसोर्सिंग टूल्स। इसकी वजह से एक्सपर्ट टीचर्स, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट पीसेज ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल एचआरएम ने विद्यादान 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर ई लर्निंग कंट्रीब्यूशंस। ये एक कॉमन नेशनल प्रोग्राम है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो एजुकेशन सेक्टर में वर्क करती हैं लाइक प्लैनेट स्टडी, वो डिफरेंट पीसेज ऑफ कंटेंट सबमिट कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूस क्वालिटी लर्निंग। अब क्वेश्चन आएगा आखिर कंट्रीब्यूशन कर कौन कौन सकता है, तो सीबीएसई ने कहा है एजुकेशनिस्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्कूल, गवर्नमेंट, एनजीओज एंड इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो क्लासेस में पढ़ाते हैं लेकिन उनको और ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट बनाने का मन है, वो भी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन सेक्टर में वर्क करती हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। सीबीएसई ने एक प्रोविजन ऐड किया है अप्रूवल ऑफ कंट्रीब्यूटर का। जैसे ही आपका वहाँ पर अप्रूवल कंप्लीट होता है, देन ओनली यू कैन क्रिएट अ कंटेंट फॉर द लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्यूचर में विद्यादान प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग मटेरियल के लिए भी डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स को इन्वाइट करेगा। तो अब आप सबको नॉमिनेट करना है अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को 4 ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट के लिए। 4 ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स आर कंट्रीब्यूशन फॉर ग्रेड 1st टू 5th, 6th टू 8th, 9th टू 10th एंड 11th टू 12th। कुछ टाइमलाइंस का डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स को ध्यान रखना है। जो भी स्कूल कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल्स अपने इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट करना चाहते हैं, दे कैन नॉमिनेट देयर स्कूल बाय 10th मई 2020। आपका नॉमिनेशन कंप्लीट होने के बाद वो जाएगा अप्रूवल के लिए। अप्रूवल डेट है 11th मई टू 15th मई। जिनका नॉमिनेशन अप्रूव हो जाता है उनको कंटेंट अपलोड करना है फ्रॉम 16th मई टू 26th मई एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द कंट्रीब्यूटर कंटेंट विल बी डन फ्रॉम 27th मई टू 10th जून। कंटेंट क्रिएशन के लिए एक एनेक्सर विद्यादान वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको वो एनेक्सर पढ़ना है बिफोर नॉमिनेशन। एंड फाइनली सीबीएसई ने कहा एप्रोप्रिएट वेटेज इस इनिशिएटिव की होगी इन सिलेक्शन ऑफ नेशनल टीचर्स अवार्ड एंड बेस्ट स्कूल फॉर विद्यादान अवार्ड। बोर्ड एक्नॉलेज भी करेगा अप्रूव्ड कंटेंट को दीक्षा ऐप पर। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है डिफरेंट कंटेंट से रिलेटेड, देन यू कैन मेल जॉइंट सेक्रेटरी ऑन jstraining2018@gmail.com। सो दिस वॉज द सर्कुलर। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सर्कुलर में कुछ लिंक्स मेंशन है, वो सारे लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए आप सबकी कन्वीनियंस के लिए। एंड हम सबको पूरी कोशिश करनी है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करने की। प्लैनेट स्टडी भी अपनी तरफ से कोर्सेज आफ्टर 12th का एक कोर्स क्रिएट करेगा। ऑल्दो करियर काउंसलिंग करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एज अ कंट्रीब्यूटर रजिस्टर करेंगे। एंड फॉर स्कूल जब भी कंट्रीब्यूशन ओपन होगा, हमारी सीनियर एफडीपी फैकल्टी जो डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, अलॉन्ग विद मी एक मॉड्यूल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी सबमिट करेंगे। सो डू कंट्रीब्यूट। अप्रूव होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करना हमारे लिए जरूरी है। पास्ट CBSE सर्कुलर रिलेटेड टू क्वारंटाइन पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। दैट वीडियो कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल द टीचर्स। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम एंड दिस इज सार्थक गुप्ता साइनिंग ऑफ। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।